फैमिली। I hope आप सब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे फूलों की तरह हाँसे और इसी तो आपके साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू वीडियो शुरू करने से, आप से है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आब्सक्राइब वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें अलहमदिल्ला जी नाश्ता बच्चों को करवा दिया था और अब मैं करने लगी हूँ सफाई और जैसा की आपको भी पता है बच्चों को छुट्टियां हो गई एक तो रबियो लेवल की और दूसरा ये जो आईज इन्फेक्शन चला हुआ है इस वजह से तो तीन चार दिन हो गए अभी मेरी भी आंखें ठीक नहीं हुई इसलिए मैंने आपसे कोई वीडियो नहीं शेयर की तो आज कुछ बेहतर हुई थी आंखें मैंने कहा चले आपसे वीडियो शेयर करते हैं एक तो वॉइस टाइम भी थोड़ा हो जाता है तो फिर मसला बन जाता है अलहमद जी स्पाई वगैरह भी कर लिया नाश्ता भी कर लिया और अब हम काटने लगे हैं जी पालक भाई दोपहर के खाने में ले आए हैं पालक और चिकन तो यहाँ भाभी भी मेरी हेल्प करवा रही हैं अलहमदिल्ला जी पालक काटते हैं और आपसे वीडियो शेयर करते हैं और आपने वीडियो को फुल वॉच करना है तो आप सबको रबी अलावल की बहुत बहुत मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बारह रबी अलावल है और माशाल्लाह जुमे का दिन भी है तो चलें जी हम पालक करते हैं फिर आपसे बाकी की वीडियो शेयर करते हैं और माशाल्लाह जी माशाल्लाह रहमत तो बरकतों वाला महीना है मिलाद का महीना है आका का महीना है तो कल गली में भी महफ़िल है इनशाला वो भी मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी बहुत अच्छी महफिल होती है गली में भी तो खैर अभी तक आँखें ठीक नहीं हुई आपके सामने ही है बहुत धुंधला सा नज़र आ रहा है जी तो भाभी को पालक काट के दे दी थी और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया देखते हैं कि भाभी ने खाना बना लिया है तो साथ साथ मैं आपसे बाकी की वीडियो भी शेयर करती हूँ और यहाँ थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी भाभी ने रात को धो लिए थे भाभी ने कहा नहीं अभी तो मैं ठीक से नज़र नहीं आ रहा तो थोड़े बहुत है मैं धो लेती हूँ और यहाँ मैंने फ्रिज की जालियाँ वगैरह डब्बे वगैरह धो के रखे हैं क्योंकि तो फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा ना ज़्यादा कूलिंग नहीं कर रहा बिल्कुल ऐसे स्मेल से फ्रिज में से आती है तो भाई ने कहा चलो इसे अच्छी तरह वॉश कर दो तो मैं किसी को बुलाता हूँ इसको सेल कर देते हैं तो इसको मैंने अच्छी तरह धो दिया है और है भी फुल साइज़ का चलें जी देखते हैं कितने का ये सेल होता है और कितने का नया आता है तो भाई कह रहे थे आप शाम को जाना और देख आना कितने का है न्यू फ्रिज तो अलहमद जी खाना भी बन गया है और साथ बन रही हैं रोटियाँ आ जाए जिस चीज़ ने गर्मा गर्म, गर्म रोटियाँ और साथ चिकन पालक खाना है हमें तो बहुत पसंद है आज बना भी काफ़ी दिनों बाद है और माशाल्लाह यहाँ सैन भी आपको काफ़ी खुला खुला लग रहा होगा क्योंकि तो यहाँ पे कूलर पड़ा हुआ था वो उठा दिया है चलें जी बच्चे यहाँ खा रहे हैं खाना और अम्मी ने सबको सर्व करना शुरू भी कर दिया है क्योंकि तो बच्चों ने अकर्मी जाना होता है फिर सारों टीचर डांटते हैं कि आप लेट आए हो तो इसीलिए सबसे पहले बच्चों को दिया जाता है कि बच्चे खा के चले जाएँ फिर बड़े खाएँगे चले जी आपको अब्दुल्ला नाम का गिफ्ट भी चेक करवाते हैं ये देखें माशाल्लाह इतना खुश हो रहा है ये इसको रात को चाचू ने दिया है बड़े चाचू ने और थैंक यू कर रहा है जी यहाँ चाचू का कि चाचू थैंक यू और एक मिनट भी ये साइकिल से नहीं उतरा अनाया को भी नहीं ये झूले लेने दे रहा कह रहा नहीं मैंने नहीं बैठना मैंने नहीं ले झूले तो इतना खुश हो रहा था सब देखते देख कि इसको खुश हो रहे थे और माशाला जी ये सबसे घर में छोटा है और जैसे कि आपको भी पता है जो घर में छोटा हो ज़्यादा प्यार उसी को मिलता है तो माशाला है भी इतना प्यारा सब इतना प्यार करते हैं तो खैर बच्चे यहाँ रेडी हो रहे हैं जी अकेडमी के लिए बच्चे कह रहे हैं खाना हमने खा लिया है और फरमान पानी की बोतल भी ले आया है अपने बैग में रख रहा है पैसे ले लिए आपने चलो पैसे भी साथ लेके इन्होंने जाने होते हैं जी तो ठीक है आप रेडी हो जाओ पैसे भी मैंने दे दिए हैं फरमान को फरमान मेरा माशाल्लाह बेटा है और ये पढ़ता है सिक्स क्लास में अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाब करे जी चलो जी। अल्लाह हाफिज़ चलें जी खैर से जाए और अनाया यहाँ तरले ले रही है अब्दुल्ला नान के मुझे भी झूले लेने दो और अन ऐसा है कि उसको झूले भी नहीं लेने दे रहा और खुद भी नहीं ले रहा ये देखें एक्टिंग चेक करें अब्दुल्ला नान की ज़रा चलो उतरो उसको भी झूले लेने दो नहीं चलो उसको भी दो शेयर किया करो चीज़ें चलें जी हम खाते हैं खाना इनकी लड़ाई है आपस में लड़ते रहते हैं ऐसे ही बच्चे चलें जी बहुत भूख लग रही है और खाते हैं खाना आ जाएं आप भी खाना खा लें जी तो खाना मैंने स्टार्ट कर दिया है खाना मैंने कहा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए और माशाल्लाह यकीन माने इतने मज़े की पालक बनी हुई है गर्मा गर्म रोटी है और साथ पालक है तो आ जाए हैं आपने भी खाने हैं तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी हुई है और मुझे तो भूख भी इतनी लगी हुई थी लगता है एक दो रोटियाँ खानी ही पड़ेंगी और अब्दुल्हान भी आ गया है कमरे में जी थक हार के और अनाया ले रही है आप अब झूले अब्दुल्हाँान के सोने का टाइम हो गया है आप सोएगा और सारी ही राजगेगा हमें तंग भी करेगा तो खैर खाते हैं जी खाना फिर आपसे मिलते हैं आपने वीडियो को स्किप नहीं करना अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना हमने खा लिया है और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय तो यहाँ हमारी मानो भी बैठ गई है खा पी के तो माशाल्लाह जी बच्चे भी अकेडमी चले गए हैं आपको बिल्कुल शोर शराबा नजर नहीं आ रहा होगा और हाँ यहाँ मैं आपसे एक और बात शेयर करने जा रही हूँ कि भाभी ने यहाँ यूनिफॉर्म काट के रखे थे सारे बच्चों के वो सिलाई करने लगी हैं तो इन आपसे बाकी की वीडियो भी साथ साथ शेयर करूँगी ये देखें भाभी कटिंग कर रही है और भाभी ने पहले भी दो तीन शॉर्ट काट के रखे हैं वो भी साथ साथ सीएँगी साथ साथ आपसे वीडियो शेयर करती जाऊंगी जैसे जैसे वो सी लेंगी और माशाल्लाह बहुत सफाई है भाभी के हाथ में इतने अच्छे कपड़े स्टिच करती हैं और भाई भी चले गए हैं खाना खा के ये देखें बिल्कुल खामोशी हो गया बस हम लेडीज़ हैं घर में अब और ये भाई ने स्पेशली अपने लिए फ्रिज रखा हुआ क्योंकि भाई जब क्लास कर रहे हों तो कमरे में कोई भी नहीं आता इसीलिए भाई ने स्पेशली अपने लिए फ्रिज भी कमरे में रखा हुआ है कि मुझे बाहर ना जाना पड़े तो यहाँ मैंने पानी की बोतल नीचे लगाई हुई थी मैंने कहा पौधों को पानी देते हैं क्योंकि दो तीन दिन से मैंने पानी नहीं दिया था तो ये काफ़ी खुश्क हो गया और ये देखिए ऊपर से पीले भी हो रहे हैं आज मेरी बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था इतनी स्वेलिंग इतनी सूझ सूझ के बाहर आ रही थी हर भाई ने काफ़ी सारे मुझे ड्रॉप्स ला के दिए मैं कह रहे हैं ये वाले डालो कोई कह रहा है ये डालो कोई कह रहा है ये तो मैं अभी एक ही हैं वो डाल रही हूँ और मैंने कहा चले आज पौधों को पानी भी देते हैं और माशाला यहाँ काफ़ी सारे पौधे मैंने लगाए हुए भी हैं और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये मैंने अरबी लगाई थी और माशाल्लाह ये भी हो गई है तो देखते हैं जी ये होती है या नहीं होती माशाल्लाह देखें कितने हरे भरे हो गए हैं पानी देने से ये वाला ये छोटा जो आपको नज़र आ रहा है ये अरबी का पौधा है ये तो पौधों को पानी शानी दे के मैं ही यहाँ आके बैठी और महर आ गई है कैरी पुखा मेरा स्टाइल बनाऊँ और मुझे बता रही थी ये वाला बनाना है इधर वाला बनाना है तो खैर ये आज ट्यूशन नहीं गई थी क्योंकि इसने जाना था आंटी का घर इसलिए लिए छुट्टी की ईमान सिरत तो गई हुई थी तो खैर स्टाइल मैंने बना लिया और आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा बना है ये देखें मच बेटर काफ़ी अच्छा बन गया ये देखें माशाल्लाह चलो जी आपका हेयर स्टाइल हो गया आप जाओ आप तो स्टाइल मैंने बना लिया था और ये देखें मेरी आँखें कितनी स्वेल हो गई हैं ज़्यादा देर ऐसे नज़र लगा के बैठे रहो तो एकदम धुंधली और स्वेल हो जाती हैं और अब्दुल्ला नहान भी मेरे पास आके बैठ गया नींद पूरी हो गई है इसकी और अब ये फ्रेश हो गया अब ये और अब ये जाके सोएगा दो तीन बजे ऐसे ही ये सबको तंग करता रहता है जी माशाल्लाह घर की रौनक बनी हुई है और इसे इसीलिए कोई कुछ कहता भी नहीं है क्योंकि छोटा छोटा लाडला लाडला घर का और ये कह रहा है पुपो मुझे चीज़ लेके दो मैं भी उठाऊँ तो चलते हैं ये नान को चीज़ लेके देते हैं और आपसे बाकी की वीडियो भी शेयर करते हैं चलो आपको चीज़ लेके देते हैं तो गाइस को बाय बाय कर दो नहीं करना चले जी आपसे बाकी की वीडियो शेयर करते हैं और भाभी यहाँ सिलाई कर रही हैं जी ये देखें मशीन रखी है भाभी ने भांजी का सूट स्टिच कर रही है भाभी की भतीजे लग हैं और मेरी भांजी और ये उसने ऑनलाइन मंगवाया था टू पीस है माशाल्लाह देखें कितना प्यारा प्रिंट लग रहा है और लेंस तो देखें बिल्कुल सही मैच किया है बारह सौ में टू पीस बन गया और क्या चाहिए दुपट्टा तो ऑलरेडी उसके पास था तो चलें जी जैसे ही ये भाभी स्टिच करती हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ और माशाल्लाह भाभी ने यूनिफॉर्म भी कट कर करके रखे हैं जैसे वो सिलेंगी वो भी आपको दिखाऊंगी अभी तो तीन चार छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल की तो चलते हैं जी किचन में चाय बनाते हैं क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो गया है वैसे तो हम साथ ही चाय बना लेते हैं आज चाय नहीं बनाई अहमदुल्ला जी चाय चाय पी ली थी और बच्चे भी अकेडमी से आ गए हैं तो ये देखें जी पब जी रूम है ये हमारा चेक करें जरा बच्चों को नहीं पता बैग कहाँ रखने हैं बस आते ही मोबाइल चाहिए मोबाइलों में घुस जाना बस ये देखें इसको देखें जरा होश ही नहीं है दुनियादारी की बस मोबाइल मोबाइल पबजी इधर खड़े मोबाइल इधर खड़े मोबाइल चलें जी ये देखें भाभी ने यहाँ सूट हैंग कर दिया है सीखे और भाभी साहब ईमान शीरत के सूट सिलाई कर रही हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखें जी चलें जब ये पहनेंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो ये थी मेरी आज की वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अभी ये देखें जी कितनी ज़्यादा स्वेल हो गई हैं और मैं कतरे डालने लगी हूँ मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह ने कबान अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा कि जल्दी ठीक हो जाए हाफिज़